पंजाब के जलंधर लुधियाना से अंबाला तक बिना हरियाणा परमिट के चलने वाली अधिकांश निजी बसें सरकार को लाखों रुपए का टैक्स का चूना लगा रही हैं। रोडवेज बस अड्डा अंबाला में केवल 13 बसों को ही परमिट मिले हैं, लेकिन 38 के करीब पंजाब की निजी बसें बिना परमिट बेधड़क अंबाला की सड़कों पर दौड़ रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ्लाई ओवर के नीचे पीली व हरे रंग की बिना परमिट वाली पंजाब की निजी बसों को जो सवारियां भरकर सरेआम दौड़ती नजर आ रही हैं। कैंट बस अड्डा इंचार्ज विजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके बस स्टैंड में बिना परमिट कोई निजी बस नहीं आ सकती, केवल परमिट वाली बसें ही सवारी भरने के लिए अधिकृत हैं। वहीं उनका कहना है कि उनका काम केवल बस अड्डे में आने वाली सरकारी व परमिट वाली निजी बसों को देखने का है। बिना परमिट पंजाब से आकर फ्लाई ओवर के नीचे सवारी ढोने वाली बसों पर नकेल कसने का काम आरटीए अधिकारियों का है। नाम विजेंद्र सिंह, एसएस अंबाला कैंट, हरियाणा रोडवेज। सर जी, मैंने अभी नया ज्वाइन किया है 30 नवंबर को, और ये जितने भी हमारे पास इनके 13 टाइम है, और 13 टाइम कंटिन्यू 13 टाइम से ही निकल रहे हैं। मेरे आने के बाद पूरा मैंने ना इनको ज़्यादा टाइम देते हैं ना कम देते हैं, अपने टाइम से ही निकल रहे हैं। और बाकी ये बाहर से निकलते हैं, बाहर है ना जो गाड़ी, ये इधर बाहर ही लगाते हैं पुल के नीचे, जो पुल के नीचे प्रशासन का काम है। मेरा जो बस अड्डे के अंदर है ना, सारे 13 टाइम अपने टाइम से निकल रहे हैं, कोई भी गाड़ी आगे पीछे नहीं जा रही है। और जो बाहर जाके ये दाएँ बाएँ से इसके जो बस स्टैंड है, इसके गेट भी 5 हैं बाहर से है, प्राइवेट व्हीकल पूरा जा रहा है, कारें जा रही है। हमने रोकने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन लोग नहीं मानते। अंदर से भी कोई भी हादसा होने का बड़ा डर रहता है, ड्राइवर कंडक्टर को बड़ी दिक्कत है। मैंने ट्रैफिक एसएचओ को भी फ़ोन किया है कि भाई अपना चलान करो, हफ्ते में 1-2 बार आके ना इनके अगर चलान हो तो थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन वो भी अभी नहीं आई। मैंने 2-3 बार फ़ोन कर चुका हूँ। ये सरकार को नुकसान हो रहा है जी, ये जिम्मेवारी तो आरटीओ साहब की बनती है, जो कि आरटीओ ही इनके आरटीओ के अंडर आती हैं। जो प्राइवेट ये व्हीकल है ना, जो आरटीओ के अंडर आता, जो सरकारी है जो हमारे जनरल मैनेजर के अंडर आते हैं या टीसी के अंदर आते हैं हेडक्वार्टर के, लेकिन जो प्राइवेट को जो भी देखता है ना, आरटीओ ही देखता है। ये मेरे समय में तो कोई ऐसी गाड़ी लगी नहीं है, और ना मेरे को किसी ने अवगत कराया। अगर ऐसा भी होगा तो उसका हम पूरा और ध्यान देंगे। ऐसा कोई गाड़ी मेरे सामने तो लगी नहीं है, जो भी गाड़ी है सारे टाइम से लग के चलती हैं और टाइम से ही बाहर चली जाती हैं। ऐसा है, ये सब्जेक्ट आरटीओ के अंडर है और हमने उनको लिख के दिया होगा, और हम दोबारा भी उनसे मैटर टेकअप करेंगे कि कुछ भी अगर इलीगल है तो वो तुरंत स्टॉप होना चाहिए। आरटीए दफ्तर में चक्कर काटने के बाद कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं इस पर जेजेपी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि जो पंजाब की बिना परमिट वाली निजी बसें सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रही हैं, इनकी तरफ आरटीआई और ट्रैफिक पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है। यही कहना चाहूंगा, जो पंजाब से निजी बसें अंबाला आ रही हैं, जिसके कारण सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है, जिनके पास कोई ना परमिट है, ना ही इसकी तरफ आरटीए कोई ध्यान दे रहा है, ना ही ट्रैफिक पुलिस इसकी तरफ कोई ध्यान दे रही है। इससे सरकार को जो है लाखों रुपए का हर महीने चूना लग रहा है, और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो सरकार को ये गुहार लगाना चाहूँगा कि जो ऐसी बसें अंबाला में चल रही हैं पंजाब की, उनका जो है पुराना टैक्स भी उनसे वसूल किया जाए और उनको इम्बोंड भी किया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से इसके बारे में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दे, और जो भी जहाँ भी कमियाँ पाई जाएँ उसको दूर किया जाए, ताकि सरकार जो है वो लाखों रुपए की चूना लगने से बच सके। इसकी भनक लगने के बाद भी हरियाणा का ट्रांसपोर्ट विभाग कुंभकर्ण नींद सोया नजर आ रहा है, और इन अवैध बसों पर नकेल कसने की जगह उन्हें खुली छूट देता नजर आ रहा है। हालांकि कल हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अचानक अंबाला आकर इसका निरीक्षण किया था, और मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कोई भी अवैध और बिना परमिट की बस नहीं चलने दी जाएगी। पंजाब की कोई भी अवैध बस कोई भी हरियाणा में बिना परमिट के एंट्री नहीं करेगी। अब एंट्री करने वहाँ का जीएम, वहाँ का आरटीओ उसकी जिम्मेदारी तय रहेगी। 10 दिन के कार्रवाई नहीं करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हरियाणा सरकार ने ओवरलोडिंग, बिना परमिट, बिना हरियाणा का टैक्स भरे वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए अधिकारियों को भारी वेतन पर तैनात किया हुआ है। इसी के साथ इनके ऊपर निगाह रखने के लिए सतर्कता विभाग सहित सीएम फ्लाइंग स्टाफ का गठन भी किया गया है। बावजूद इसके रोजाना पंजाब से बिना परमिट की 38 बसें धड़ल से अंबाला में सवारियां ले जाने में व्यस्त हैं, और उपरोक्त विभाग के अधिकारी इन पर कार्रवाई की जगह आंखें मूंद कर बैठे हैं। भारत 9 के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।